Dear students, today we are going to study class 8 English supplementary lesson 2 children at work part 2nd. In the last video we talk about the part 1st of this lesson children at work. Now we start the video. In our second part, at first we understand the some points according to this chapter. Velu follows his friends through the crowded streets to a big building. Velu एक बड़ी इमारत तक भीड़ भरी गलियों में अपने दोस्त का अनुकरण करता है. Behind the building, there is a big garbage bin. इस इमारत के पीछे एक बड़ा कूड़ादान है. Velu wonders why they are there at all. Velu को आश्चर्य है कि वे वहाँ क्यों हैं. He catch up with the girl as he see as she was leaving द स्टेशन. उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो स्टेशन से निकल रही थी. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वे सड़क पर आई तो वेलू ने देखा कि वाहन जो व्हीकल्स हैं उनका आवागमन कर रहे थे, यानी वाहन चल रहे थे और किसी के लिए भी नहीं रुकते थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लो एट हिम फ्रॉम ऑल साइड. उसके चारों तरफ धुआं और धूल उड़ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसके चक्कर आने लगा. दे had to wait for a long time before they could find a gap to run through. They had to wait for a long time. वे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे before they could find a gap to run through, जिससे कि वे उस सड़क को पार करने का अवसर खोजने के लिए जो है काफ़ी देर से इंतजार कर रहे, जिससे कि वो अपना रास्ता पार कर सकें. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. उस वे संकुचा रहा था, यानी जो Velu था वो संकुचा रहा था, hesitate हो रहा था. And girl finally dragged him to the other side. और लड़की ने आखिर में उसे दूसरी ओर खींच लिया. What do you think you are doing grazing crows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. What do you think you are doing? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे थे. इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस सड़क के मध्य खड़े होते, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाती है. वैल्यूज हर्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. वैल्यू का दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट. वैल्यू का हृदय अभी भी तेजी से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक द सेंट्रल स्टेशन. उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा.
एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग वाई, और जो ट्रैफिक था, यातायात था, वो अभी भी तेज गति से चल रहा था. नाउ हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे उससे यानी जो ट्रैफिक था उससे निकलकर कैसे आए थे. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, नियांस कार टायर्स पेंस एंड अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. द राइटिंग was all in English, so he did not know what it meant. How had they managed to come through that? वे उससे किस तरह से निकल कर आए. They walked along the side of the road under some huge signboard. वे सड़क के एक और बड़े से साइनबोर्ड के नीचे चलते गए. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेलू ने तस्वीरों की तरफ देखा. स्कार टायर्स पेंस अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, बनियान कार के टायर कलम और एक महिला जो एक संदूक लिए हुए थी. इन पिक्चरों की तरफ, इन तस्वीरों की तरफ वेलू ने देखा. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो राइटिंग लिखी हुई थी, जो लेख लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था. सो ही डिड नॉट नो वाट इट मीन, इसलिए वह इसका अर्थ नहीं जानता था. द गर्ल टर्न्ड इनटू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप, लड़की एक चौड़े पुल की ओर मुड़ी और आगे बढ़ गई. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुक गया रेलिंग के ऊपर से, उसने झांका. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी, उसके नीचे वाली सड़क शहर में जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड, कुछ ही दूरी पर विशाल इमारतें तथा मीनारें और कई सड़कें वो देख सकता था. See that big buildings with the wall around it. उस बाहरी दीवार वाली विशालकाय इमारत को उसने देखा. If you are not careful, यदि तुम सतर्क नहीं हुए, तो you will soon be counting war there. The girl grinned and pointed at the huge building. If you are not careful, यदि तुम सतर्क नहीं हो, तो तुम शीघ्र ही वहां सलाखें गिनते नजर आओगे. The girl grinned and pointed at the huge building. लड़की की हंसी आ गई और विशाल इमारत की ओर उसने संकेत किया. Value squinted and read the Tamil Singh Central Jail. Value ने अपनी आंखें बुलाई और तमिल में लिखे हुए सेंटर जेल को पढ़ा. Why? I have not done anything wrong. क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया है. You do not have to do anything. Just do not get caught. That's all. You do not have to do anything. तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, पकड़े मत जाना, बस यही बात है. What does she mean? उसके यानी जो लड़की कहने का मतलब था वो क्या था, क्या तात्पर्य था. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. इसी बीच लड़की बोरे को कंधे पर लटकाए पुल से नीचे उतर रही थी.
what was in it, इसमें क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. इसमें क्या था? तो what was in it? इसमें क्या था? तो he had seen her putting plastic cups. उसने क्या देखा कि कुछ प्लास्टिक के कप उसमें थे, जो उसने स्टेशन पर प्लास्टिक के कप डालते हुए उसने देखा था. वही कप जो है उस के सैक में, उसके बोरे में, उसके कंधे पर लदे हुए थे. व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? इस बैग में आप क्या ले जा रहे हैं? थिंग्स, बोतल, पेपर. बोतल और पेपर वस्तुएं हैं, बोतल हैं और पेपर हैं. वेलू वंडर्ड व्हाट सी वाज डूइंग विद हिम, विद देम. व्हाट ही फेल्ट से टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. वेलू आश्चर्यचकित था, यानी अचंभित था कि वह इन चीजों के साथ क्या कर रही थी, किंतु उसे ज्यादा प्रश्न करने में शर्म आ रही थी. It was still morning. What the sun blasted down on the tar and values were feet warmed. अभी सुबह थी परंतु सूर्य तार लोक पर चमक रहा था और बेलू के नंगे पैर तप रहे थे. It was not like walking on the mud road. It was not like walking on the mud road. कच्ची या मिट्टी वाली सड़क पर चलने के समान ये ना था. He was soaked with sweat. वह पसीने से तरबतर हो रहा था. He tried hard to walk in the shade. He tried hard to walk in the shade. वह यानी उसने छाया में चलने की कोशिश की. एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. और साथ साथ लड़की के साथ चलने का भी उसने प्रयास किया. द गर्ल सी वॉक्ड रियली फास्ट. वास्तव में वो बहुत तेज चल रही थी. How far away was the food? भोजन और कितनी दूर मिलेगा, यानी कैसे मिलेगा, कितनी दूर भोजन मिलेगा. After almost an hour of walking, लगभग एक घंटे चलने के बाद, they stopped in front of a big building. वह एक बड़ी इमारत के सामने रुके. श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, उस पर लिखा हुआ था, पड़ा हुआ था. वेल्यू शिलोरी, वेल्यू ने देखा. आ सेन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सैड ग्रूम. और फूलों से बनी एक संकेत बोर्ड पर लिखा था वर ग्रूम जे बी विनयगान और ग्रू ब्रिड रानी. ये फूलों से संकेत के माध्यम से, फूलों से बने संकेत बोर्ड पर लिखा था वर जेबी विनयगान और दुल्हन रानी. वेलू स्टार्टेड एट द विक कार पार्क आउटसाइड ऑन ऑफ द कार्स हेड ऑफ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड इनटू इट. The girl looked around, pulled on off quickly and stuck it in her hair. उसने एक कार पर फूलों की मालाएं सजी हुई देखी और गुलाब के फूल टेप के माध्यम से चिपके हुए थे. लड़की ने चारों ओर देखा और शीघ्रता से एक फूल उसमें से निकाल लिया और अपने बालों में लगा लिया. Come on, she said. उसने कहा, आओ. Are we going to eat here? हम यहाँ पर भोजन करने आए हैं क्या? क्या हम यहाँ पर भोजन करने आए? Asked Velu. Velu ने पूछा.
look at the huge hall and the people inside velu ke andar vishal hall mein jaate hue logo ko dekha usne. Hops said the girl shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubies. Two goats were standing on the pill fighting for banana's leaf. A cold cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Abelu. Hops cast, said the girl shaking her thumb under his nose. Balka ne apni nak ke andar angutha dalte hue kaha. She led him behind the hall. Beh use hall ke bagal mein le gayi. There was a garbage bin overflowing with rubbish. Bahan koode ke लबा लब भरा एक कूड़ादान था. टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर बनानाज लीफ. उनमें से दो बकरियां उस ढेर पर खड़ी एक केले के लिए केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज वस्ट अराउंड देयर लेग्स. उनके टांगों के आसपास मक्खियों का एक बड़ा झुंड भिनभिना रहा था. देयर वाज अ रोटेन स्मेल इन द एयर. और हवा में दुर्गंध फैली हुई थी. द गर्ल पिक्ड अप द स्क्वीसी बनाना एंड हेल्ड इट टू द वेलू. बालका ने एक कुचला हुआ केला उठाया और बेलू की ओर बढ़ा दिया. हियर्स योर फूड. यह तुम्हारा भोजन. वेलू वाज शॉक्ड. बेलू को झटका लगा. आर यू गोइंग टू ईट द लेफ्ट ओवर. क्या तुम किसी हम उनका जूठा खाने जा रहे हैं. छी वाट डू यू थिंक आई एम. छी तुम मुझे क्या समझती हो. अ डॉग. एक कुत्ता. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. मैं केवल बिना छुआ हुआ भोजन खाता हूँ. हियर्स सम मोर कैच. अरे यहाँ कुछ और भी है. सी थ्रो हिम अ बड़ा. सी थ्रो हिम अ बड़ा. उसने उसकी ओर एक बड़ा फेंका. बेलू लुक्ड एट द विद डिस्टेंस. बेलू इसको थोड़ी दूर पर देख रहा था. कम ऑन हीरो ईट इट. आओ हीरो आओ और इसे खा लो. यू थिंक आई लाइक इट. यू थिंक आई लाइक इट. तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा. आई टोल्ड यू आई शैल फाइंड यू समथिंग टू ईट. ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं. मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ निकालूंगी. यू डिड बेटर ईट व्हाट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी. क्योंकि जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं आ जाता, जो मिले वह खा लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा. It's too really. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. Velu, it too really. They only eat tiffin. बहुत ही जल्दी है. उन्होंने केवल नाश्ता किया. यदि तुम्हें कभी भूखे हो तो यहाँ उनका अपहरण का भोजन समाप्त होने का इंतजार करना होगा. She picked up a couple of bottle from the heap. उसने ढेर से कुछ बोत को उठाया and threw into her sack और उसने अपने बोरे में उन्हें डाल लिया. Then she walked off. उसके बाद वहाँ चले गए. बेलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. Velu panicked. Velu चिंतित था. उसने एहसास किया कि यदि इस लड़की ने उसे छोड़ दिया
तो अरे वह भी उसे नहीं मालूम था वो कहाँ है और उसे क्या करना है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड रैन आफ्टर हर अगेन ए सी कॉल्ड सी डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम ए व्हाट इज योर नेम ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर ही स्टॉप्ड एंड टर्न्ड राउंड ओ शो यू आर यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड व्हाट विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया आई एम नॉट फॉलोइंग यू व्हाट देन हु गॉट यू फूड आई कैन आई कम विद यू वेयर यू आर गोइंग कम इफ यू वॉन्ट दिस बैग इज फुल I have to go home to get another one. तो बेलू ने चिंतित हुआ. उसने एहसास किया कि यदि इस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो यह भी मालूम नहीं था कि उसे वो कहाँ है और उसे क्या करना है. उसके साथ चिपकने रहना ही बेहतर है. ऐसा प्रतीत होता था कि वह सभी रास्ते जानती है और उसकी तरफ वो फिर से भाग गया. वह चिल्लाया. वह उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था. ये तुम्हारा क्या नाम है, उसने उसकी ओर शीघ्रता से बढ़ते हुए पूछा. सी स्टॉप्ड, वह रुकी. एंड टर्न्ड अराउंड, उसने पीछे मुड़कर देखा. ओए यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम बिना मेरा नाम जाने ही मेरा अनुसरण कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो. माई नेम जया, मेरा नाम जया है. आई एम नॉट फॉलोइंग, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. व्हाट देन हु गॉट यू फूड, तो क्या तुम्हें भोजन किसने दिलाया. कैन आई कम विद यू वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ जहाँ तुम कहाँ जा रही हो.